जादुई फूल बेचने वाला भूत। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव से दूर एक सुनसान जगह थी जहां पर एक डरावना भूत रहता था। उस भूत ने अपने घर में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल उगा रखे थे, जिन्हें वो टोकरे में भरकर आम आदमी के रूप में बेचने के लिए ले जाया करता था। रामनगर के पास ही में एक बस स्टैंड था, जहां एक दिन वो भूत एक आम आदमी के रूप में अपना फूलों से भरा टोकरा लेकर जाता है और बोलता है, अरे वाह, फूल बेचने के लिए ये जगह तो सबसे बढ़िया है। यहाँ तो बहुत से लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है और भूत जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, फूल ले लो, फूल सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल ले लो फूल। तभी बस में बैठा एक आदमी फूल वाले को बुलाता है, अरे फूल वाले भैया, ये लाल वाले फूल कैसे दिए हैं? साहब, ये लाल फूल है 10 रुपए में 1। अरे भाई, 10 रुपए में सिर्फ 1, इतने में तो एक पूरी माला आ जाएगी। अरे साहब, चलिए आपको 10 रुपए में 2 फूल दे देता हूँ, घर जाकर अपनी धर्मपत्नी जी को दीजिएगा, ये लाल फूल देखेगी तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। बस में बैठे कुछ और लोग भी उससे फूल खरीद लेते हैं और बस वहाँ से चली जाती है। भूत हंसते हुए बोलता है, आज तो मजा ही आ गया, मेरे काफी फूल बिक गए। अरे इन सब लोगों को क्या पता कि मेरे इन फूलों की खुशबू जो भी सुंदर औरत लेगी वो मेरे वश में हो जाएगी, और इन फूलों का असर सिर्फ सुंदर औरतों पर ही होगा, और वो सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास भागी चली आएंगी। ऐसा बोलकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है और अपने घर चला जाता है। फिर बस वाला आदमी अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ओ मेरी प्यारी शीला, अरे जरा देख तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं अपनी लाल परी के लिए लाल गुलाब लाया हूँ। अजी आप भी ना कैसी बातें करते हैं, ये गुलाब तो सच में बहुत सुंदर है, इसकी खुशबू से तो पूरा कमरा ही महक उठा। ये कहकर शीला फूल अपने बालों में लगा लेती है। फिर रात को वे दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं। आधी रात होते ही शीला अपने घर से निकलकर भूत के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, मेरे फूलों की खुशबू आखिर तुझे मेरे पास ले ही आई। फिर भूत शीला को एक कमरे में बंद कर देता है। तभी दो और सुंदर औरतें वहां आती हैं। वे औरतें भी उस भूत के वश में होती है। भूत उन्हें भी ले जाकर शीला के साथ कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन भूत फिर से आम आदमी का रूप लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है, और तभी लोगों से भरी हुई बस स्टैंड पर आकर रुकती है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार रंग बिरंगी फूल, हर तरह के फूल है मेरे पास, फूलों की माला, फूलों का गजरा, जो भी पसंद आए वो ले लो। अभी बस में दो दोस्त रामू और श्यामू बैठे होते हैं। अरे फूल वाले, एक सुंदर सा गजरा तो देना भाई। अरे भाई रामू, क्या बात है, भाभी जी के लिए गजरा? हाँ भाई, तेरी भाभी को बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है। अरे श्यामू, तू भी कुछ ले ले अपनी पत्नी जी के लिए, वो भी खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ भाई, अरे तुम भी एक गजरा ले लो अपनी पत्नी जी के लिए, वैसे भी सुंदर औरतें बालों में फूल लगाकर और भी सुंदर लगती हैं। ठीक है भाई, अगर तुम इतना कह रहे हो तो एक गजरा मुझे भी दे दो। उसके बाद वे दोनों गजरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों को गजरा दे देते हैं। श्यामू अपनी पत्नी लीला से कहता है, सही कहा था उस फूल वाले ने, सुंदर औरतें बालों में फूल लगाकर और भी सुंदर दिखती हैं। अजी आप भी ना कैसी बातें करते हैं, चलिए अब सो जाइए, काफी रात हो गई है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। आधी रात होते ही लीला उठती है और अपने कमरे से निकलकर भूत के पास चल पड़ती है। तभी श्यामू लीला को बाहर जाते हुए देख लेता है और लीला को आवाज देता है, अरे भगवान, आधी रात को कहाँ जा रही हो? पर लीला पर भूत के फूलों का असर होता है,
थोड़ी दूर जाकर लीला गायब हो जाती है और भूत के पास पहुंच जाती है। श्यामू ये सब देखकर डर जाता है। थोड़ी देर में सुबह होती है और श्यामू भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? कल रात से तेरी भाभी भी नहीं मिल रही है। जब से उसने अपने बालों में गजरा लगाया, तब से वह बस फूलों की बातें किए जा रही थी। भाई, हो ना हो, हमारी पत्नियों के गायब होने के पीछे जरूर उस फूल वाले का हाथ है। फिर वे दोनों बस स्टैंड पर जाते हैं और फूल वाले का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वे भूत के घर तक पहुंच जाते हैं और चुपचाप खिड़की से देखने लगते हैं। फूल वाला आम आदमी अब अपने भूतिया रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सारी औरतें बहुत डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे नाश पीटे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें यहाँ पकड़ कर ले आया है? तुम सुंदर औरतों के खून से ही तो मेरे इन सुंदर सुंदर फूलों को शक्ति मिलती है। जितनी ज्यादा फूलों को शक्ति मिलेगी, मैं उतना ही ताकतवर बनूंगा और फिर पूरे गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। आज आधी रात को ही मैं एक एक करके तुम सारी सुंदरियों का खून अपने फूलों में डालूंगा। रामू और श्यामू ये सब खिड़की से देख और सुन रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे भाई श्यामू, ये फूल बेचने वाला तो भूत निकला। अब हमें इन सभी औरतों को भूत के चुंगल से निकालने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। हाँ भाई, हमारी पत्नी भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। आज हमारी बारी है इनके लिए कुछ करने की। ये कहकर दोनों गांव चले जाते हैं और गांव के सरपंच को सारी बात बताते हैं। तभी कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरी बीवी भी 2 दिनों से गायब है, कहीं वो भी उस भूत के पास तो नहीं चली गई? तभी रामू सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न मैं और श्यामू औरत के रूप में किसी तरह उस भूत के पास चले जाए और मौका मिलते ही उसके बगीचे से फूलों को तोड़ दे। अपनी पत्नियों को बचाने के लिए तुम सब उस शैतान भूत से भी लड़ने को तैयार हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई भाई, रात होने वाली है, भूत उन सब औरतों को कुछ करे उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रामू और श्यामू साड़ी पहनकर भूत के पास जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम दोनों कितनी सुंदर हो कि सबसे पहले मैं तुम दोनों का ही खून अपने फूलों में डालूंगा। भूत ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मर गया रे नास पिटा, अरे सबसे पहले हमें ही मार डालेगा। रामू मौका देखकर सरपंच और गांव के बाकी लोगों को भूत के फूलों के बगीचे में ले जाता है और सभी मिलकर फूलों को तोड़ देते हैं। जैसे ही फूल टूटते हैं, भूत जलने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आखिर भूत राख में बदल जाता है। सभी औरतें भूत के चंगुल से निकलकर बहुत खुश होती हैं और सब अपने गांव वापस लौटते हैं।